आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्यूरटेक में। सो गाइस, इस बार मैं आप लोग के लिए बजाज का कूलर लाया हूँ, जिसका मॉडल नंबर है बजाज कूलेज पीसीएफ 25 डीएलएक्स। सो गाइस, इस बार हम इस कूलर को अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसमें हमें क्या क्या सामान मिलते हैं और इसे कैसे ऑपरेट करते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलो अभी हम इस बॉक्स से इस कूलर को बाहर निकालते हैं। सो गाइस, आगे तक बने रहिए। सो गाइस, हमारे बजाज के कूलर का पैकिंग कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको और इसके ऊपर साइड आपको इसका वारंटी कार्ड दिख जाएगा यहाँ पे। तो गाइस, अभी हम इसे इसके रैपिंग से बाहर करते हैं और देखते हैं इसमें हमें कैसा ऑपरेटिंग का सिस्टम क्या है और कहाँ से क्या पानी कैसे डालना है, बर्फ़ कैसे डालना है, इसे खोलने का ऑप्शन क्या है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, हमने अपने बजाज के कूलर का रैपिंग हटाया है और उसमें हमें इसका वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल मिलता है। सो गाइस, इसका यूज़र मैनुअल कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए आप। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दे दिया है, लिख के पढ़ लीजिए। सो गाइस, यहाँ पे इसका वारंटी कार्ड है जिसकी इसी पर आपको कंपनी 1 ईयर की वारंटी देती है, इसे आपको संभाल के रखना पड़ेगा। सो गाइस, अभी मैं आपको कूलर के बारे में बताता हूँ। कूलर का ये फ्रंट लुक है, देख लीजिए आप। गाइस, यहाँ पे इसका बटन दे दिया है, इसका स्पीड कंट्रोलर है और यहाँ पे स्विंग और पंप कंट्रोलर है। सो गाइस, यहाँ पे 3 स्पीड नॉर्मली रहता है सब में और इसके पंप कंट्रोलर का बता दूँ आपको। गाइस, यहाँ पे इसका स्विंग होगा, ये आपका हवा इधर से उधर होगा पूरा, और यहाँ पे हवा इधर से उधर प्लस कूलिंग भी स्टार्ट होगा और पंप भी स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे केवल पंप स्टार्ट रहेगा। गाइज, सो गाइज, ये रहा आपका, ये हवा को ऊपर नीचे करने के लिए दे दिया ऑप्शन, यहाँ पे काफ़ी मूवेबल है इजीली एकदम। और गाइज, इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे इसका 24 लीटर का टैंक दे देता है और यहाँ पे इसका वाटर नोटेशन है। गाइज, यहाँ पे इसका वायर दे दिया है, इसके वायर की लेंथ कुछ 1.5 मीटर है। और गाइज, ये खोलने के लिए ईजी ऑप्शन है, यहाँ से ये बटन थोड़ा टाइट है लेकिन आप इसे ईजी खोल सकते हैं पकड़ से। सो गाइस, मैं इसे खोल के भी दिखाता हूँ आपको पीछे साइड से। सो गाइस, यहाँ से आप यहाँ से पानी डाल सकते हैं इस टैंक में और पानी अगर ज़्यादा हो जाएगा इस तो अपने आप यहाँ से गिरने लगेगा, ये ओवरफ्लो का ऑप्शन है। सो गाइस, अगर टैंक साफ करने के लिए आपको इसे खोलना रहे तो गाइस ये रहा, यहाँ पे ये खुल जाता है इजिली और इसमें आइस भी डाल सकते हैं गाइस आपको ये खोल के। सो गाइस, इजिली ये साफ कर सकते हैं आप, यहाँ पे ये ऑप्शन दे देता है और ये इजिली आप यहाँ पे इसे लिटर लगा सकते हैं। सो गाइज, अभी मैं इसे ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज, अभी हमने अपने कूलर को प्लगिंग किया है। सो गाइज, इसके एयर की क्वालिटी मैं आपको बता देता हूँ कैसी है इसकी एयर की क्वालिटी। सो गाइज, इसका एयर थ्रो काफी बेहतर है, नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत बेस्ट कूलर है। सो गाइज, अगर आपको कूलर खरीदना है गाइज, खरीद सकते हैं, मैं आपको नीचे लिंक शेयर कर दूंगा जिससे आप इसे बाय कर सकते हैं। सो गाइज, ये था हमारा बजाज कूलर का अनबॉक्सिंग। सो गाइस, इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।